इसके अंदर एक रिजल्ट है, हमने ये रिजल्ट पहले भी किया, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर अर्थ का फील्ड नीचे है, फोर्स नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी नीचे है, और अगर मैं ई ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ नीचे आऊं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते हुए कम होगी, और अगर मैं ऑपोजिट जाऊं तो एनर्जी पोटेंशियल बढ़ेगी। उल्टा भी ट्रू, ऐसे भी ट्रू है कि अगर मैं फील्ड के साथ साथ आऊं मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या मेरा पोटेंशियल भी कम होगा। तो एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई, ई पोटेंशियल डिक्रीजेस। फॉर्मूला बुकलेट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करो, क्या कि अगर मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने पे डिस्टेंस डी आर कवर करने पे पोटेंशियल में चेंज कितना आ जाता है डीवी, तो वहां से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। ये कैसे मैं बताता हूं, आप लिखे इसे फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर लिख लो, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, ठीक है। इसका जो प्रूफ है कि अगर आप मतलब जो इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है, वो माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के साथ जब पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा उस रेट ऑफ चेंज को ई बोलते हैं। इसका प्रूफ प्लस टू के अंदर आएगा, हम प्लस वन में नहीं कर रहे हैं, फिर रिजल्ट कर रहे हैं, प्लस टू में इसका प्रूफ आएगा, और प्लस वन के अंदर बहुत ही बेसिक इसका हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ आ जाए, ज़्यादातर ये कॉम्पिटिशन में ज़्यादा देखा जाता है। एनसीईआरटी बेसिक में जो हम अभी कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही आता है, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, इसके सारे प्रूफ प्लस टू से मिलेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला, हाँ ये इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करके बताता हूँ ये फॉर्मूला है क्या, बताता क्या है। देखो इस फॉर्मूले में ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर है क्या चीज़। सपोज करो एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, वो कहता देखो सर ये अर्थ है, मैंने कहा हाँ ये अर्थ है, वो कहता देखो अर्थ का ई नीचे की तरफ है, मैंने कहा हाँ अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर की तरफ है, सही है। तो वो कहता देखो अगर मैं अर्थ के ई की तरफ मूव करूं, नीचे आऊं मैं भी, तो मेरा पोटेंशियल नीचे आते आते क्या होगा, डिक्रीज। मैं कहा हाँ सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसे किया हमने। फिर उसने उल्टा बोला कि अगर आप मुझे ई ना बताओ कहां पर है, आप बस मुझे ये बता दो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते आते वी कम हो रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं ई की डायरेक्शन में काम कर रहा हूं। तो ई की डायरेक्शन कहां पर होगी, जहां वी की वैल्यू क्या हो रही होगी, कम। तो जहां वी कम हो रहा होगा इंटेंसिटी का की जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ होगी जहां वी कम हो रहा है, राइट। अब वो स्टूडेंट कहता देखो मैं एक न्यूमेरिकल कर रहा था, मेरे न्यूमेरिकल में मुझे ये गिवन था कि ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है। तो मेरे को किसी ने पूछा कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पे, 2 मीटर पे वी की वैल्यू मान लो 10 है ना, वैसे नेगेटिव होती है, कुछ भी 10 है, मैंने पॉजिटिव ले ली 10 है। फिर उसने कहा मैंने पॉइंट चेंज किया तो वी की वैल्यू यहाँ पर 8 हो गई और इसकी दूरी एक्स टू की दूरी यहाँ पर 3 मीटर थी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने ये पूछा कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग V की वैल्यू कम हो रही है, ध्यान से इधर x एक्सिस में राइट साइड जाने में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ E वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, राइट की लेफ्ट, राइट होगी। क्या सिखाया, जिस तरफ V डिक्रीज होता है E की डायरेक्शन भी वही होती है, तो E की डायरेक्शन जो होगी इसमें, जो ई की डायरेक्शन है वो भी कहां होगी, राइट, क्योंकि मैंने क्या सिखाया एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में चलें तो हमारा वी क्या होता है, कम। उल्टा पूछ लिया भाई, अगर इस तरफ वी कम हो रहा है तो फिर ई कहां पर है, इसी तरफ है। समझ में आ रहा है यहां तक रिजल्ट, तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है, आपको पोटेंशियल की वैल्यू ये बता देती है कि ई की डायरेक्शन कहां होगी, आपके सामने बता दिया मैंने, एक एडवांटेज हो गया। दूसरा, V की वैल्यूज आपको E की वैल्यू भी दे देगी, अगर आप मुझे ये V की वैल्यूज दो मैं आपको E निकाल दूंगा, कैसे, इन दो पॉइंट्स में मैं अप्लाई करूंगा माइनस dV बाय dr या dx, x r की जगह x ले लेते हैं क्योंकि सब कुछ x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है। तो E की वैल्यू पता है क्या होगी, माइनस
वी टू माइनस वी वन यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एक्स टू माइनस एक्स वन, डी वी की जगह और डी एक्स की जगह वैल्यू लिख ली, तो ई इज इक्वल टू माइनस वी टू कितना है 8, वी वन कितना है 10, एक्स टू कितना है 3, एक्स वन कितना है 2, सॉल्व करके क्या आ गया, ये न्यूमिनेटर क्या आ गया प्लस 2 और डिवाइडेड, तो यानी कि क्या आ गया 2 न्यूटन पर केजी इज द आंसर। आंसर आके देखो तो क्या सही तरीका है ना ई निकालने का, डीवी बाय डीआर कर दो, माइनस डीवी बाय डीआर कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये साइन माइनस क्यों लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है माइनस साइन क्योंकि जब हम पोटेंशियल की डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव कर देगा। तो समझ में आ रहा है? हाँ, ये नहीं मैंने बताया ये फॉर्मूला कहां से आया, लंबी कहानी है अभी नहीं करेंगे, बट फॉर्मूला याद हो गया यहां तक तो इसका मतलब बड़ी क्लियर चीज हो गई। तो ये फॉर्मूला आपको ई और डी वी में रिलेशन देता है, वी की वैल्यू से आप ई की डायरेक्शन देख पाते हैं, ये दो चीजें आपको समझ में आती हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसको देख लेते हैं। आपको एक किसी भी क्वेश्चन में आपको वी देगा, जैसे इस क्वेश्चन में वी दे रहा है जो एक्स के साथ चेंज हो रहा है, वी इज डिपेंडेंट अपॉन एक्स, वो पूछेगा ई की वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। अब सब कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है तो ई वेक्टर क्या होगा, माइनस डीवी बाय डीएक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, कैप क्या लगेगा आई कैप। अगर यहां वाई होता, जैसे वाई की फॉर्म में वी चेंज हो रहा होता तो ई वेक्टर में माइनस डीवी बाय डीएक्स नहीं, डीवी बाय डी वाई हो जाता और पीछे कौन सा कैप है जे कैप आ जाता। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लिखा आपने, वी की वैल्यू यहां से उठाई 2x क्यूब पुट कर दी, 2 बाहर आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, आंसर आंसर मार्क कर लेना, डन। तो समझ में आ रहा है कि v गिवन है तो e कैसे निकलेगा इसमें वेक्टर फॉर्म में, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला e इज माइनस dv बाय dx। ठीक है, जैसे आपको v की वैल्यू y के टर्म में गिवन है, आपको e वेक्टर निकालना है तो e इज माइनस dv बाय dy into j कैप, तो v की वैल्यू पुट करेंगे 2y स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, डिफरेंशिएट, आंसर। ये भी क्लियर है? और अगर ये z में होता तो ये भी क्या हो जाता z, ये क्या हो जाता k कैप, पर अगर ये x में भी है y में भी है और z में भी है, अब मैं क्या लगाऊं, e इज माइनस dv बाय dx लगाऊं, dy लगाऊं कि dz लगाऊं, तो अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या लगाऊं। इसको समझने के लिए आपको क्या सीखनी पड़ेगी, एक डिफरेंशिएशन है जो एक बार पहले भी डिस्कस की थी जिसका नाम क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, याद है बताया था एक बार, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक तो फुल और कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इस कंप्लीट डिफरेंशिएशन के अंदर आपको सिखाया था कि अगर डी बाय डी एक्स ऑफ क्वेश्चन आ जाता है एक्स इंटू वाई, तो आप एक्स और वाई दोनों को वेरिएबल लेते हैं तो आपका फॉर्म आंसर आएगा एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, ये आंसर है, आंसर ये आंसर आएगा। पर लेकिन अगर आप पार्शियल लेते हैं, पार्शियल लिखने का ये तरीका होता है, पहला पॉइंट तो ये समझ लें, पार्शियल का ये सिंबल है, डी भी प्रॉपर नहीं है, पार्शियल का डी है, ठीक है। इसमें ये रूल है, अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो भाई ये कहता है मैं तो एक्स को ही वेरिएबल मानूंगा, दुनिया की कोई चीज यहां पर आ जाए वाई जेड मैं इसको क्या मान लूंगा अपने मन में, जबकि वो कॉन्स्टेंट मानता नहीं। तो अगर कॉन्स्टेंट मानेगा तो वाई तो आ गया बाहर और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, वन, आंसर इज वाई। देखो उसमें क्या आंसर आया, इसमें क्या आंसर आया, तो वन मान ले, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, एक्स को छोड़ के सब कॉन्स्टेंट है, ठीक है यहां तक। अब इसको यूज कैसे करना है, तो एक फॉर्मूला लिखे फॉर्मूला बुकलेट में कि अगर आपका वी एक्स वाई जेड तीनों में चेंज हो रहा है तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, पार्शियल वी विद बाई जे कैप और पार्शियल वी विद जेड। तो ये लिख लें प्लीज, पहले तो ये फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लिया यहां पे। अब यूज कैसे करना है,
आपको न्यूमेरिकल में वी क्या गिवन है, 2x³ y² - z² आपको ई वेक्टर निकालना है। आप एक काम करो, वी की जगह तीनों में ये वी की वैल्यू पुट कर दो। कर दी, अब देखो कैसे होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म अलाउड है इसमें, क्योंकि ये भी एक्स ये भी एक्स है, टू बाहर आ गया ये रहा। पर पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई और जेड को क्या मान लेगा, कॉन्स्टेंट। इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, जीरो, खत्म। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन जब ये एक्स की करेगा तो उसको एक्स को कांस्टेंट मानेगा क्योंकि नीचे वाई चल रहा है, तो जीरो। जेड को करने का फायदा नहीं जीरो, ये सिर्फ वाई को कर देगा टू वाई। ऐसे इसमें इसको करने का फायदा नहीं जीरो जीरो, और ये सिर्फ जेड स्क्वायर को करेगा आंसर। ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, एक्स वाले ने एक्स को कर देना है, वाई जेड छोड़ देना है, वाई वाले ने वाई को कर देना है, एक्स जेड छोड़ देना है, और जेड वाले ने जेड को डिफरेंशिएट करना है, एक्स वाई छोड़ देना है, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल में नहीं आएगा ये, नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल के लिए नहीं पढ़ना। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, जैसे क्वेश्चन है, अब अगर आपको क्या गिवन है, वी गिवन है, और क्या निकालना है, ई निकालना है, तो ई इज माइनस डीवी बाय डीएक्स, डिफरेंशिएट करो ई आ जाएगा। अब वो कह रहे जी उल्टा क्वेश्चन है, मैं आपको ई देता हूं आप मुझे वी निकालो, तो मैं आपको ई देता हूं और वी निकालो, इंटीग्रेशन। अगर मैं आपको V दूंगा और E पूछूंगा तो V को पुट करके डिफरेंशिएशन, और अगर मैं आपको E दूंगा और V पूछूंगा तो इंटीग्रेशन। वही सेम तो चीज है, जैसे V क्या होता था, dV by dx, याद है, वेलोसिटी dx by dt। तो अगर x के बने V निकालना है तो डिफरेंशिएशन, V से x लेके आना है तो इंटीग्रेशन, सेम ही तो रूल है। तो E की वैल्यू पुट कर दो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dV स्मॉल पोटेंशियल आएगा, E की वैल्यू पुट कर दो 2x² और इंटीग्रेट करो, तो ये क्या आएगा, V, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³/3, आंसर आंसर, ठीक है। यहां तक ये भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव आते हैं इस टाइप के, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वाला काम हमने कर लिया, बड़ा सिंपल आता है, सिंपल पॉइंट मासेस पे आता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन है, फिर से उसने वी दे दिया, वो कह रहा है वी इसके इक्वल है 8x² p², तो वी एक्स पे डिपेंडेंट है। आपको क्या निकालना है, ई निकालना है, लेकिन कहां निकालना है, जब एक्स की वैल्यू कितनी है, पी। कई लोग क्या करते हैं, वो पहली एक्स की वैल्यू पुट करके बैठ जाते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर तो आंसर जीरो ही आएगा क्योंकि हर चीज कांस्टेंट हो गई ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह है। तो एक्स को डिफरेंशिएट करके पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती है, और टाइम एंड में पुट करते थे, सेम पहले आप इसको देखते हुए ई निकाल लो, जो आंसर आएगा उसमें एक्स को पी पुट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं वी को, ये रहा, तो 8 बाहर आ गया, याद है डिफरेंशिएशन का रूल, न्यूमिनेटर u है, डिनोमिनेटर v है, तो u upon v, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके ये आंसर आएगा, और एंड में x को क्या पुट कर देना है, p। वो अलग बात है कि p स्क्वायर में से p स्क्वायर आंसर फिर से क्या आ गया, जीरो। देखो आंसर जीरो आए ना आए, मेरी उसकी मर्जी है, बट रूल समझ में आ रहा है क्या करना है। डिफरेंशिएशन के रूल हमने किए हुए u upon v, तो इस तरीके से करना है। नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लो ये भी प्लीज, ये नहीं करना एनसीईआरटी, स्कूल के लिए मत पढ़ के जाना, इसे लिखते जाओ, बाद में फिर पता नहीं लगेगा क्या छोड़ना है क्या करना है। नॉट फॉर एनसीईआरटी ये नहीं आएगा। जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी का नहीं, वैसे तो ये रहा, देखो जरा, हमें क्या दिया, V नहीं दिया, क्या दे दिया, E दे दिया। तो क्या दिया, E दे दिया,
एक्स एक्सिस के अलोंग क्या निकालना है, पोटेंशियल जीरो है एट इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल जीरो इंफिनिटी पे क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जी एम बाई आर, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल दोनों इन्फिनिटी पे जीरो हो जाते हैं। क्या निकालना है, वी निकालना है, इन्फिनिटी पे नहीं निकालना है, इन्फिनिटी पे वी जीरो होता है, एक्स डिस्टेंस पे निकालना है। अब रूल तो वही है, ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की जगह पुट करो के एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री बाई टू। अब लिमिट देखो क्या लगेगी, इंपॉर्टेंट है, जब डिस्टेंस की लिमिट इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल की लिमिट जीरो है, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है। जब डिस्टेंस एक्स है तो पोटेंशियल क्या है, वी है। तो ये वन डी वी हो गया, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू में वन ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस और ये टू ऊपर आ गया, एक्स की पावर माइनस हाफ का मतलब वन बाई रूट एक्स, इन्फिनिटी से एक्स आ गया, एक बार एक्स की जगह इन्फिनिट एक्स आ गया और एक बार इन्फिनिटी आ गया, वन बाई इन्फिनिटी जीरो आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो समझ में आ रहा है यहां तक। अब ये एक अलग प्रॉब्लम है, देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपको, जो पॉइंट मासेज, जो न्यूटन का फॉर्मूला है ना जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये पॉइंट मासेज के लिए वैलिड है, ठीक है, पॉइंट मासेज में चलता है ये। न्यूटन का जो फॉर्मूला है मैंने ये बताया, ये पॉइंट मासेज के लिए वैलिड है कि अगर ये एम वन है, ये एम टू है और ये आर है, तो इनके बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक। अगर सपोज करो ये एक स्फेयर है, चाहे ये हॉलो है चाहे नहीं है, इस स्फेयर से आर डिस्टेंस दूर, इसका मास एम है, पॉइंट मास पड़ा हुआ है, पॉइंट मास, तो ये स्फेयर पॉइंट मास को अट्रैक्ट करेगा विद फॉर्मूला जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था स्फेयर्स के लिए भी ये वैलिड है। लेकिन अगर आप ये कहो जी कल को मैं स्फेयर लेके आता, मैं तो रॉड लेके आता हूं, रॉड का मास एम है और आप ये बताओ जी ये पॉइंट मास है, इनमें फोर्स क्या होगी, तो क्या मैं ये न्यूटन का फॉर्मूला लगा लूं, नहीं लगा सकते आप, नहीं लगेगा, कोई और बॉडी रख लेता हूं हेमीस्फेयर या कोई उल्टी सीधी बॉडी, नहीं लगा सकते, आपको इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। दो ही केसेस में न्यूटन के फॉर्मूला चल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज, एक पॉइंट मासेस पे और एक स्फेयर और पॉइंट मास पे, अदरवाइज अगर पॉइंट मास के सामने तीसरी कोई बॉडी आ जाए तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है यहां तक। जैसे क्वेश्चन में आ गया एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और मास एम है और एक पॉइंट मास है, वो कह रहा है जी फोर्स की वैल्यू निकाल दो इस रॉड और पॉइंट मास की। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रॉड का मास कैपिटल एम ले लूं और ये पॉइंट मास है और सीधा फॉर्मूला लगा दूं जी एम वन एम टू आर स्क्वायर, नहीं चलेगा, क्योंकि रॉड में नहीं चलेगा, मैंने बोल दिया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो लॉजिक ये लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट मास है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, उसे फोर्स की जगह ई निकालने को बोला पी पॉइंट पे, कोई बात नहीं। अगर आप यहां पे ई निकालना चाहते हो, यहां पर मास क्या रखेंगे, वन। हम क्या करेंगे, शॉर्टकट नहीं लगेगा, पहले कोई भी एक मास लेंगे, पहला एलिमेंट डीएम, डीएम इज अ पॉइंट मास, छोटा मास है, ये छोटा मास इसे अट्रैक्ट करेगा और स्मॉल ई लगाएगा डी, पहले स्मॉल फील्ड निकलेगा डी छोटे एलिमेंट की वजह से, अगला एलिमेंट भी, नेक्स्ट एलिमेंट भी इसके ऊपर क्या लगाएगा डी, अगला एलिमेंट भी इसके ऊपर डीएम क्या लगाएगा डीई, तो सारे एलिमेंट का डीई 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 यहां से यहां तक कैलकुलेट करो और मिला दो, मिलाने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कर दो, नेट ई आएगा, तो बिना इंटीग्रेशन के हो नहीं पाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, स्फेयर वाला सही है, पॉइंट मास भी सही है, एक बार भी आंसर आ जाता है, इसमें नहीं आएगा, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है किसी भी पॉइंट छोटे मास से। तो मान लो एक रॉड का आपने बिल्कुल छोटा सा मास ले लिया डीएम और जिसकी लेंथ क्या है डीएक्स और ये एलिमेंट कितनी दूरी पे लिया एक्स। जब आप तीन एलिमेंट लेते हो ना किसी भी रॉड का, सबसे पहले उसका मास निकलता है डीएम, उसकी लेंथ लेनी होती है डीएक्स और उसकी दूरी लेनी होती है एक्स, ये तीन चीजें लेनी होती है, ठीक है। तो डीएम और इस डीएम ने इसके ऊपर कितना ई लगाया, जी जी इंटू डी एम बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनकी दूरी है क्या एक्स, तो कैपिटल जी, तो डीएम ने कितना ई लगाया, कैपिटल जी डीएम इंटू बाई एक्स स्क्वायर। अब डीएम की वैल्यू क्या है,
क्योंकि रॉड के ऊपर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेंथ वाइज, तो हमने किया था रोटेशनल में, अगर लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाई एल है, डीएक्स है तो एम बाई एल इंटू डीएक्स, डीएम आ गया। इस डीएम की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास ये स्मॉल ई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये छोटे एलिमेंट का डी ई है, हमें तो सारे एलिमेंट लेने हैं, सारे एलिमेंट में क्या करेंगे, सारे एलिमेंट में पहला एलिमेंट ये होगा, पहले एलिमेंट में एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, डी, एक्स क्या हो जाएगा डी, और आखिरी एलिमेंट में एक्स क्या हो जाएगा डी प्लस एल, डी प्लस एल, तो लिमिट क्या लगेगी लेंथ की एक्स से लेके डी प्लस एल। एक्स ऊपर चला गया रेज़ टू पावर माइनस टू, इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस बाहर आ गया, एक्स की पावर माइनस वन क्या होता है वन बाई एक्स, एक बार एक्स की जगह अपर एक बार लोअर लिमिट दोनों को माइनस, एलसीएम लेके आंसर। नॉट फॉर एनसीईआरटी नहीं आएगा स्कूल में, कॉम्पिटिशन के अंदर मेंस या नीट में इसका क्वेश्चन देखेगा, अगर देखेगा प्रीवियस ईयर में देखेगा। समझ में आ रहा है कि रॉड की प्रॉब्लम कैसे करनी है। अब आप मन में सोचते हो चलो स्फीयर का तो याद हो गया, पॉइंट मास का भी फॉर्मूला कोई टेंशन नहीं है, रॉड का भी कैसे से चलो मैंने इसको कर लिया, कोई नई फिगर आ गई तो कम चांस है, उल्टी सीधी बॉडी रखेगा तो फिर इंटीग्रेशन खतरनाक बन जाएगी, मैंने देखी नहीं, कम बहुत बहुत रेयर चांस है। तो इन तीन के ऊपर ही क्वेश्चन आने हैं जो आने हैं, ज्यादातर स्फीयर के ऊपर ही आते हैं, ठीक है, पर फिर भी रॉड मैंने करवा दी, तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर्स का ई या एफ निकालना नहीं आएगा, इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स है नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, इसका आंसर रॉन्ग है सर, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये वाला एल एक्स्ट्रा सर, एम के बाद एल नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, एल काट दो, एल ओ एल कैंसिल करके आंसर आएगा, सही है, नहीं आएगा न्यूमिनेटर में, एल काट लो।